वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में साल 2021-22 के लिए बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बजट की विशेषताएं गिनाई और कहा कि सरकार ने खातों को अधिक पारदर्शी बनाया है। कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन को लेकर मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, लेकिन सही बात यह है कि कृषि मंत्री ने कभी भी उनसे बात करने में संकोच नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद कहा कि कोरोना महामारी से उपजी चुनौतियों के बीच बजट पेश किया गया है। इस बार के बजट में जो कृषि सेस लगाया गया है उसका बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा, लोगों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। अगर किसी किसान के मन में प्रश्न है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके साथ बैठ करके बात करने में कभी भी संकोच नहीं किया। कितने भी राउंड क्यों ना हो बैठते हैं और बार बार ये भी बोलते हैं कि ये तीनों कानून से अब क्लॉस बाय क्लॉस कंडवार चर्चा करिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ अभी भी कि चर्चा ही रास्ता है। चर्चा करने के लिए सरकार ओपन है और कल परसों पार्लियामेंट के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी वो जो ऑफर है उसको टेबल पर अभी भी है करके माना। इसीलिए मैं मानती हूँ किसान जिनको भी मन में कुछ प्रश्न है, संकोच है और डाउट्स है, वो ज़रूर बात करने के लिए आगे आए, सरकार से बात करें। वो एक विषय है। दूसरा, ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का मैटर है। ये मैंने मेरे एग्रीकल्चरल सेक्शन जब मैं पढ़ रही थी उसमें स्पष्ट बोले कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम खर्च करेंगे और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैरायटी हमने क्लॉज स्कीम्स बोले हैं। अब तक जो सिर्फ पोटैटो टोमेटो के लिए स्कीम है उसको अभी 23 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए ले आ रहे हैं। ऐसे ही नाबार्ड के द्वारा जहां ऑलरेडी 5000 करोड़ का अमाउंट उनको दिया गया उसको डबल कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आयाम मतलब फेसेस में करते हैं, बहुत सारे रूपरेखा में आता है। मैं ये भी बोली हूँ कि एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम फंड करेंगे। सो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रास्ता बहुत सारे हैं, उन सब के लिए ही ये फंड है। नंबर 9, हाँ, इससे पहले आत्मनिर्भर भारत के समय भी 1 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही। उसके अलावा अभी भी बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए हम करेंगे। ई नैम भी एग्रीकल्चर के लिए ही है और उसमें अभी और 1000 न्यू मार्केट्स को जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।